नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएल जैसा एक ज़बरदस्त वैकेंसी आई है जून 2023 में। जी हां दोस्तों, एनएचपीसी द्वारा कुल 388 पदों की भर्ती का विज्ञापन 9 जून को जारी कर दिया गया था, जहां पर सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी समझदारी के साथ मेहनत और नौकरी आपके हाथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसी का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में बताते हैं कि एनएचपीसी में 2 महीने की तैयारी से नौकरी कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नोटिफिकेशन का डिटेल है जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाके सीधे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं और इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं डाउनलोड करके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएचपीसी एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। अभी हम वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी, जो भी स्टूडेंट सिविल से डिप्लोमा पास आउट है उनके लिए यहाँ पे 149 वैकेंसी दी हुई है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा पास आउट किए हैं उनके लिए 74 वैकेंसी दी है। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है, वहीं पे एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। नेक्स्ट बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास हैं तो उनके लिए यहाँ पे 63 वैकेंसी रखी गई है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर ई एंड सी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है। सुपरवाइजर ग्रेजुएशन डिप्लोमा बीसीए बीएससी के जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस आईटी से कोई भी कोर्स किए हैं उनके लिए है, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट रखी गई है। हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर की सैलरी की, तो यहाँ बेसिक पे 29,600 से 1,19,500 रखा गया है, यानी इन हैंड अगर बात करें तो आपको 40,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। साथ में यदि आप सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है तो आप सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सुपरवाइजर सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा इन सर्वेइंग या सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसेंशियल एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 19 वैकेंसी है और 30 साल एज लिमिट रखा गया है। ऐसे ही सीनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इंटर सीए पास और इंटर सीएमए पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 30 साल एज लिमिट रखा गया है, टोटल 28 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट रखी गई है। यदि आप मास्टर डिग्री हैं किसी भी विश्वविद्यालय से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है जो कि 1 साल का रखा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्टमैन सिविल की, जहाँ पे बेसिक पे कम कर दिया गया है, वो 25,000 से 85,000 रखा गया है। अब यदि आप मैट्रिकुलेशन पास हैं आईटीआई इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी रखी गई है। ऐसे ही ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 8 वैकेंसी रखी गई है जो आईटीआई के छात्रों के लिए है, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेन पॉइंट की बात करें तो एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पे 295 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है। और आगे चल के देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सीबीटी में कितना होना चाहिए, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है और वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है। एनएचपीसी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है 9 जून को और लास्ट डेट 30 जून रखी गई है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जहाँ पे डिप्लोमा के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रखी गई, नहीं तो अन्य वैकेंसियों में 10 12 15 ऐसी वैकेंसी आती है। यहाँ पर लगभग 149 सिविल के लिए है, 74 के आसपास इलेक्ट्रिकल के लिए, 63 मैकेनिकल के लिए, इस तरीके की वैकेंसी है जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है टेक्निकल छात्रों के लिए। दोस्तों, अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि आप एनएचपीसी की 2 मंथ में तैयारी कैसे करें जिससे कि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं।
साथ में एनएचपीसी में यदि आप जूनियर इंजीनियर के पद पे ज्वाइन करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी उसका भी हम सैलरी स्लिप के साथ आपको एक ओवरव्यू दे देंगे। और लास्ट में आप सबसे अनुरोध है कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ में इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि सभी प्रकार का अपडेट्स आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए हमारे सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।